सुनसान सड़क, कोई भी नहीं है इस वक्त। देखो दोस्तों, तब्बू बीमार हो गई है। वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत करी मैं सुबह के 8:10 हो गया है और अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। और तब्बू, मैं अकेले हूँ रूम में, तब्बू नहीं है, तब्बू गई है कहीं, और मैं आ गई हूँ अपने रूम। मतलब मैं तीन दिन हो गए मेरे को आए हुए, और 3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरा कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा था, बस मेरे को ऐसे बेले रहना था और फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो अभी मैं उठी हूँ, थोड़ी देर पहले उठी मैंने लंच क्या ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, तो मैं खाऊंगी थोड़ी देर से। सबसे पहले मैं पानी गर्म कर लेती हूँ और एक बार आपको मौसम दिखा देती हूँ बाहर का। और इतनी तेज़ धूप है ना बाहर, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा लेती हूँ, उसके बाद अपना पानी पीती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ। फिर पहले आपको व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। और मैंने ऐसे दुपट्टा ओढ़ा है क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था दुपट्टा ओढ़ना। इतनी तेज धूप है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया बाहर का मौसम किल्लर धूप लगी है, बहुत किल्लर धूप। तो अभी मेरे को थोड़ा रूम की सफाई वगैरह करने को है, मतलब रूम को कपड़े वगैरह ठीक करने को, तो मैं फटाफट से अपने कपड़े वगैरह ठीक करती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने आज पुलाव, क्योंकि मेरा पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने आज पुलाव बनाया। और दिन के लिए मैं दाल लगा के रखूँगी बाद में। तो पहले मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। आ गई मैं किचन में और मैंने पानी भी पी लिया, ये फुल लोटा मैंने पानी का पी लिया। तो अभी खाऊंगी मैं खाना, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, भूख भी लगी है मुझे। और टाइम हो गया है 8:45। मैं पहले खाना निकाल, तो ये रहा मेरा पुलाव जिसमें मैंने आलू वाला पुलाव बनाया है, और मैंने इसमें घी भी डाला है। तो मैं फटाफट से खाती हूँ खाना। तो अभी टाइम हो रहा है 3:00 और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं मूवी देख रही थी, और मूवी देखते देखते मेरे को नींद आ गई। और मेरा पिंपल देखो यहाँ पर, और अब मेरे को भूख लगना शुरू होगी। मतलब तो मेरे को ऐसा है कि मेरे को यार मेरे को ना चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा है कि मैं चाउमीन खाने जाऊँ, बट कोई भी नहीं है, तब्बू भी नहीं है, श्वेतु भी नहीं है, मैं किसके साथ जाऊँ चाउमीन खाने। श्वेतु और तब्बू ने तो परसों कभी खाया है, तो वो लोग तो आज खाएंगे ही नहीं, तो फिर मैं कैसे खाऊँ अकेले चाउमीन। पर मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है चाउमीन खाने का यार, बट और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जाती हूँ चाउमीन खाने, अकेले ही जाऊँगी मैं, लेकिन वहाँ पर नहीं खाऊँगी, इधर लेके आऊँगी। पर मेरे को बहुत ज़्यादा मन हो रहा है चाउमीन खाने का, तो फिर मैं अपने मन को नहीं तोड़ सकती हूँ दोस्तों, इसलिए मैं जाऊँगी चाउमीन खाने के लिए। और अभी मैं सोई हूँ, और मेरे को पिंपल देखो, इतना ब्लैक ब्लैक सा हो गया है अब तो मैं फटाफट से जाती हूँ चाउमीन खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं चल पड़ी हूँ, और अभी मौसम देखो फिर से ख़राब सा हो गया, और दिन से इतनी ज़्यादा धूप लगी थी ना बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुनसान सड़क, कोई भी नहीं है इस वक्त।
ये वाले बादल कितने सुंदर लग रहे। तो अभी टाइम हो गया है 4:00 और अभी मैं यहाँ पर बाहर बैठी हूँ और इतनी अच्छी हवा लगी है ना, बहुत अच्छी हवा, बहुत मज़ा आ रहा है बिल्कुल। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजार। तो अभी टाइम हो गया है शाम की 5:00 और मैंने दिन को मैंने चाउमीन खाया, उसके बाद मेरे को था कि अब मैं शाम के लिए दाल बनाऊंगी, दाल और चपातियाँ। तो अभी मैंने लाइट ऑन कर ली, तो मैंने अभी दाल चढ़ा ली है चने और आलू की, और उसी जैसे मैं आटा गून के रखती हूँ और चना आलू बनाएंगे ड्राई ड्राई से और उसमें चपातियाँ बनाऊँगी। तो मैं फटाफट से पहले थोड़ा सा आटा गून के रखती हूँ, उसके बाद जाऊँगी थोड़ी देर टेरेस पे, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं रूम पे, वो भी अकेले, तब्बू भी नहीं आई अभी, तब्बू आएगी थोड़ी देर से। तो मैं फटाफट आटा वगैरह गून लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे। चल हाय कर। तुम इतने बीमार क्यों लग रहे हो? तो अभी अभी हम लोग है रूम में, और इससे पहले गए थे हम दादा को लेने पुल तक, और कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ पे सामान था, मम्मी ने घर से दूध वगैरह लस्सी वगैरह दिया था। तो फिर दादा आए हैं, आज उनके भाई का घर है यहाँ पर चाटी में, तो आज वो यहीं रुकेंगे। तो हम लेके आए हैं अपने साथ चिज्जी खाने को, कुरकुरा, फन पॉप, और लेके आए हम केला, और मैंने दाल भी पकाने को लगा दी, बस पकने वाली होगी, और हम सामने सूप पी रहे हैं। और मेरा पिंपल देखो कैसा गंदा सा दिख रहा है। ये रहा हमारा सूप, देखो दोस्तों, तब्बू बीमार हो गई है फिर भी कुरकुरा खा रही है, बीमार है फिर भी ये कुरकुरा खाना नहीं छोड़ेगी। दोस्तों क्या हुआ आपको बताइए, बीमार हुआ? नहीं, बीमार जैसे लग रहे हो अभी तक, बोलती मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। चला तो अभी बन गया हमारा डिनर, और मैंने फ्राइड चने बनाए हैं और घी भी डाला थोड़ा सा और चपाती और साथ में लस्सी और पानी का गिलास। तो हम फटाफट से खाना खाते हैं और लस्सी थोड़ी। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं और इस वीडियो का मैं यही करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी फिर कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।